शेरा, आप सब लोगों को आज है दशहरा, है ना बच्चे? हाँ। आज क्या करने का है हमको? और आज रावण दहन भी है। अच्छा तो चल नीचे, चल तू मेरे साथ नीचे, है ना? सारी गाड़ियाँ धोनी है और उसके बाद में मेरी जो डीओ है वो भी धोनी है, सब साफ सफाई करनी है गाड़ियों की। हे चीकू, गुड मॉर्निंग। रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं, रावण हूँ मैं, रावण रावण हूँ मैं। चीकू ऊपर नहीं, चल नीचे। नहीं दीदी, मुझे नीचे नहीं जाने का है, मुझे ना ऐसे ऊपर जाने का। चल दुकान पे चलते, चल। क्या बोली तू, दुकान पे जाने का है? तो चल फिर दुकान पे। दुकान तो बोला कि आ जाता है। चल चीकू और मैं, हम दोनों चले गाड़ी साफ करने, है ना चीकू? तू भी तेरी गाड़ी धोएगा ना? देखो मामा ने तो एक गाड़ी पूरी साफ कर दी। इससे पहले कि कोई है ना गाड़ी में चढ़ जाए, मैं मेरा तो पैर ही फिसल गया इधर से। ए मामा, मेरा हाथ तो पकड़ना, मुझे ना ऐसा आने देना अंदर उधर। अभी मैं ना ऐसे इधर पहले ही जाके मैं बैठ जाता, नहीं तो ना कोई भी आके ना इधर बैठ जाएंगे मेरे वाले गाड़ी के अंदर। क्योंकि आज हमें सारी गाड़ियां धोनी है। ये वाली जो है पापा की रेड, ये भी धोनी है। जा ना गाड़ी की चाबी लेके आ, खोल। हां अब खुलेगी। बच्चे तो उधर से बैठ, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ, अपन दोनों जाएंगे राइड पे। यार कितनी गंदी हो गई गाड़ी अंदर से, ये देखो कितनी धूल धूल हो गई है सब तरफ। देख चीकू भी आया। चीकू, ए दीदी तू है ना मुझे बाद में मिल, तूने बोला था दुकान पे जाने का, लेकिन तू मुझे दुकान पे लेके गई नहीं। मैं हमारी आई के साथ में जा रहा, तू बाद में मिल, तुझे देखता मैं। इसमें अभी दिखा दे यार आपको, देखो इसके दुनिया भर की चूहे इसमें अंदर भरे हो गए, गुजरी वालू। और इसको देखो, मस्ती खोर कीड़ा यहाँ पे आ चुका है। तो हो गई हमारी गाड़ी साफ। और चिकू ने मेरे को बहुत तंग किया गाड़ी साफ करते करते, और कृष्णा ने भी। देखो ना सारी गाड़ियों को है ना अच्छे से धो के साफ कर दिया है। अभी है ना थोड़ी देर में मामा और मैं जाएंगे गाड़ियों के लिए हार लाने के लिए, फिर हम है ना सारी गाड़ियों की पूजा कर लेंगे, फिर उसके बाद में ना मुझे करनी है शस्त्र पूजा। और देखो ना सारी गाड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही है धो के साफ करने के बाद। आ गई मैं नहा के, और बताओ मेरा ये फ्रॉक कैसे लग रहा है, अच्छा है ना? हाँ बताओ मम्मी क्या क्या लेके आना है। मिठाई लेके आ, हार फूल लेके आ, और थोड़े से पान के पत्ते लेके आ, खाने वाले पान के पत्ते। ठीक है चलेगा, जल्दी जा, लेट हो गया। हाँ 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 चल मामा। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। लेकिन मैं कोई ये नहीं समझ आ रहा, कृष्णा तू क्यों चल रहा है हमारे साथ, हम अभी आ ही रहे थे ना। चलो देखो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे हार लेने के लिए, और हमको है ना बहुत बड़ा वाला हार चाहिए एमजी के लिए और कार के लिए। तो यहाँ पे ना बड़े हार ही नहीं है यार, तो मैंने क्या सोचा कि है ना मैं ना छोटे छोटे दो तीन हार ले लूँ, फिर उसको कट करके एक बड़ा हार बनाऊँ। देखा दिमाग लेने का बच्चे, देखो समोसा लेने का। देखो समोसे के लिए ये इतनी दूर आया है, ठीक है रुक जा, मैं जब मिठाई लूँगी ना तब ले लूँगी समोसा तेरे लिए, समझा? हम मिठाई लेके आए यहीं पर, गिरा मत वो फूल। चलो डन, मिठाई भी ले ली हमने और हार फूल वगैरह सब कुछ ले लिया, अभी घर पर चलते हैं और गाड़ियों की पूजा करते हैं। खोल भला दरवाजा, मेरे को मेरी सैंडल निकालेंगे। देखो तो मैं रेडी हो गई, और अभी मैं ना मम्मी को रेडी कर रही हूँ, मम्मी ने साड़ी वगैरह पहन लिया, बस मैं मम्मी का है ना मेकअप करके दे रही हूँ। चीकू नहीं, अरे बाप रे ये कितना सारा मेकअप है, इतने सारे मेकअप के पैसों में तो है ना मेरे ना साल भर के डायपर आ जाएंगे डायपर। अभी है ना मैं ना इधर जाके देखता, इधर भी है ना दीदी के ना मेकअप वेकअप सब पड़े वाले रहते, उधर क्या है, उधर मेरे को जाके देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितनी सारी तैयारियाँ चल रही है, यहाँ पे ये सब फूल है ना इसके हार बना रहे हैं, और मम्मी इधर प्लेट रेडी कर रही है पूजा की। अभी हम है ना सारी गाड़ियाँ घर के सामने लगा रहे हैं, और सारी गाड़ियाँ ना लगने के बाद में आप देखना घर कैसा दिखता है। हमारी है ना सारी गाड़ियाँ लग चुकी है, चलो मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, ये देखो। चलो सबसे पहले मैं पूजा करूंगी मेरी साइकिल की।
है। तो ये वाली गाड़ी है ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि है ना ये पापा ने स्पेशली मेरे लिए ली है जब मैं ना 6 साल की थी तब। पापा आज भी पुरानी कार को ही अपनी कार कहते हैं और न्यू कार को मम्मी की कार कहते हैं। तो ये जो कार है ये मेरे पापा की कार है। तो अभी बारी है एमजी कार की और ये जो न्यू वाली कार है ये मेरे मम्मी की है। देखो हमारे बड़े एमजी कार के लिए बड़ा वाला फूल। चलो हो गई सारी गाड़ियों की पूजा। हाँ मम्मी आओ इधर आओ, आपकी कार के सामने खड़े रहो। तो अभी है ना मुझे नारियल तोड़ना है। तोड़ो। पूजन जो है वो एकदम अच्छे से हो गया है, अभी बस बाकी रह गया है शस्त्र पूजा। और शस्त्र पूजा जो होती है वो है ना अपने सारे शस्त्रों की पूजा करनी होती है। तो आपको तो पता ही है कि मेरे शस्त्र जो है वो है मेरे गैजेट्स। तो हाँ मैं ना आज मेरी सारी गैजेट्स की पूजा करूँगी। तो अभी मैं आपको है ना मेरी सारी गैजेट्स दिखाने वाली हूँ, बस है ना मुझे एक बार इन सबको अरेंज कर लेने दो। और हाँ मेरे सारे शस्त्र मेरे गैजेट्स हैं। रुको मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहला गैजेट है मेरा ये कंप्यूटर। और हाँ मेरे ये सारे गैजेट्स है ना लगभग 16-17 लाख रुपए के हैं। और ये सारे गैजेट्स है ना मुझे मेरी मम्मी ने दिलाए पापा से लड़ लड़ के झगड़ झगड़ के। तो ये मेरे लिए ना बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो फर्स्ट हो गया एक ये वाला कंप्यूटर और इसके जैसे है ना सेम और एक ये कंप्यूटर, ये कृष्णा का है। और उसके बाद में है मेरा ये लैपटॉप और फिर गिम्बल। और उसके बाद में ये देखो मेरा ये कैमरा 80D। फिर ये मेरा फर्स्ट कैमरा G7X जो मैंने व्लॉगिंग के लिए लिया था वो भी पप्पा से लड़के। और उसके बाद में ये वाला GoPro पूना गई थी ना तब मैंने लिया था पप्पा से लड़के। और ये जो है ये मेरा पुराना वाला GoPro है। और ये देखो ये है मेरा दूसरा कैमरा 8-6। तो ये है iPhone 13 Pro और एक है 13 Pro Max और एक है iPhone 11। ऐसे 3 iPhone है मेरे पास। और हाँ ये सारे शस्त्रों के दम पे मैंने ये पाया है और ये पाने के लिए मैंने इनसे ताकत ली है। आओ मम्मी इधर। तो मम्मी ने ना ये सारे गैजेट्स है ना मुझ पे भरोसा करके मुझे दिला के दिया। तो थैंक यू मम्मी। और मम्मी ने ना ये गैजेट्स दिलाने के लिए ना उन्होंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। ना ही मेरे मम्मी के पास में सोने का मंगलसूत्र है, ना ही सोने के कान में के, ना ही सोने की चूड़ियाँ। सब मम्मी ने मेरे लिए किया है। थैंक यू सो मच मम्मी। थैंक यू। मैं आपको एक दिन सब सोने का करके दूंगी, प्रॉमिस। ठीक है। और ये सारे गैजेट्स है ना हमने बहुत मेहनत से लिए है। क्यों मम्मी? और अगर हम है ना हर मंथ 50,000 रुपये भी सेव करके रखे ना तो ये गैजेट के पैसे ना रिटर्न होने के लिए कम से कम 2.5 साल लग जाएंगे। इतनी मेहनत है मम्मी की और मेरी। देखो यार सक्सेसफुल होने के लिए ना बहुत इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है। लेकिन क्या है लोगों को है ना सिर्फ है ना सक्सेस दिखती है, उसके पीछे की इन्वेस्टमेंट उसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखती है। पापा से हम लड़ते थे झगड़ते थे, एक एक गैजेट लेने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। तो ये सारे गैजेट्स है ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो आप सबने है ना मेरा बहुत साथ दिया है। मैं ना प्रार्थना करती हूँ कि आप सब है ना आगे भी मुझे है ना ऐसे ही साथ देते रहिए ताकि है ना मैं मेरी मम्मी का सपना पूरा कर सकूं।
बीच में। पापा को ना ही मेरे यूट्यूब से तब लेना देना था, ना अब लेना देना है, ना आगे लेना देना रहेगा। लेकिन है ना, देखो पापा जब तक वीडियो में नहीं आते तब तक वीडियो मज़ेदार नहीं बनता है ना, मानते हो ना आप ये मेरी बात को? इसीलिए ना मुझे ज़बरदस्ती पापा को अपने वीडियो में लाना पड़ता है, ताकि है ना मेरा वीडियो मज़ेदार बने, है ना मम्मी? पापा के बिना मज़ा ही नहीं आता है। मतलब कैसे ना, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती और वो इतना बोलते बस हमको हंसाते रहते हैं 24 घंटे ना, और आप सब लोगों को भी हंसाते हैं। तो ये सारे गैजेट्स तो यहाँ पे है, लेकिन है ना मेरी टीम यहाँ पे नहीं है। मेरी टीम कम से कम 10 लोगों की है, और है ना वो जहाँ वहाँ बैठ के मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ बिंदास कावे दिखाई दे रही है, लेकिन है ना बिंदास कावे के पीछे एक बिंदास टीम भी है ना मम्मी? सबका दिल से शुक्रिया, थैंक यू, हमारे लिए ने इतना काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आ गया सब तुम्हारा पूजा भी जा? हाँ सब हो गया, एकदम अच्छे हो गए। काम पे की पूजा हो गए? हो गए। अब तुमको वापस बाहर जाने का होगा। हाँ फिर मम्मी मैं राम बनूं? अभी अपन यहाँ पे थोड़ी ना रावण दहन कर रहे हैं, अपन किसी मतलब मेले में जा रहे हैं ना देखने के लिए, तो अपन वहाँ पे जाके देखेंगे। ठीक है चलेगा। हाँ नॉर्मली कपड़े पे। हाँ हाँ बहुत भीड़ रहती वहाँ पे, मतलब है ना किसी ने पहचान नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे मतलब ऐसे अननोन बन के जाने का, पब्लिक के जैसे बन के जाने का। ठीक है चलेगा। सेलिब्रिटी बन के नहीं जाने के पापा। हाँ चलना नहीं आ रहा। हैप्पी दसरा। हेलो हैप्पी दसरा सबको, मस्त लग रहे हो सब। तो देखो मैं ना यहाँ पे अपना ही व्लॉग देख रही थी, वैसे भी एडिटिंग करते करते तो देखती हूँ, लेकिन फिर भी अभी देख रही थी। तो आज मैं ना, मैंने सोचा कि आज मैं ना लड़का बन के बाहर चलूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं लड़का नहीं बनी। तो मैंने सोचा आज मैं ना एकदम मस्त लड़का ही बन के बाहर चलती हूँ, है कि नहीं? क्या बोलती है गर्ल्स, लड़का बन जाऊँ मैं? देखो मेरे को लगा ही था ये सब लोग ऐसे बैठ के व्लॉग देख रहे होंगे। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया, मैं तो बात नहीं कर सकता असली में, लेकिन ये वीडियो में मैं कैसे का बात करता मैं? मैं क्या बोल रही थी, मैं आज लड़का बन के चलती हूँ बाहर। हाँ ठीक है, मैं आई हूँ अभी लड़का बन के, और मैं ना पप्पा का ये वाला ब्लैक टी शर्ट पहनूंगी। तो देखो मैं लड़का बन के ना रेडी हो गई हूँ, रेडी हो गया हूँ, अभी है ना मैं सीधा पापा के सामने चलता हूँ। चलो डायरेक्ट पापा के सामने जाएंगे और देखेंगे। तो अंदर चलो। पापा मैं रेडी हो गया। बताओ कैसे? तोते के जैसे रेडी हो गई। आज तो मम्मी मैं कैसे रेडी हूँ? तोता दिख रहा, काला तोता। ठीक है ना? चल ठीक है, खड़ा तो लगा लड़का बन रही तो ठीक है, आप लगा के दो ना। सेम सेम ये देखो, सेम सेम। लेकिन ये मेरे पैंट नीचे नाइट पैंट है ना, कुछ नहीं होगा। क्या बांधने का? सामने बांधने का बंद, पीछे से रहता है सामने से इतना फिट नहीं है, ऐसे चलना पड़ेगा। सारा ढीला सच में, कितना टाइट बंद बांध दिया पापा ने, और ये पल्लू के ऊपर से बांधा है पापा ने। वाह कितना दिमाग है पापा। लड़कों वाला टीका लगाना मम्मी। ठीक है लगाया। अच्छा तो लग रहा ना हंस रहे हो मम्मी? बड़ा लड़का दिख रहा भी मेरा, इतना बड़ा जवान गबरू लग रहा। दिखाओ पापा, देखो मेरी और इसकी शक्ल सेम लग रही है ना? तो पापा आशीर्वाद। चलो बोलो ना कुछ। क्या बोलने का? कटिंग अभी भी अच्छी नहीं हो। हैप्पी दशहरा बोल बच्चे। और बड़ा हो जा पापा से। चल चिको आ जा पैर पढ़ने के लिए। ए मेरी क्यों पढ़ रहा? फिर बढ़िया ना, तो उससे तेरे पढ़ने पड़ी ना क्या? आओ मम्मी पापा। हाँ इधर खड़े रहो। लड़का है ना, कैसे आशीर्वाद देते हैं? नमस्ते। बाय।
लड़के कैसे चलते हैं यार ऐसे? मम्मी बच्चा कैसे चलता है, तू चल के दिखा। लड़के कैसे चलते हैं? ऐसे चलते हैं ना पापा? लड़के ऐसे चलते हैं ना बाबा? शुक्रिया मोटी हो जा। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, बड़ा हो जा, जा भाग। पापा देखो आज मैं लड़का बनी हूँ तो मेरे को है ना फुल एकदम लड़कों के जैसे ट्रीट करो, ठीक है? लड़के है ना बहुत मार खाते, तो मार खाने का तेरे को? तो अभी भी शांति से बैठे हो ना, अभी बैठे बैठे भी मार खाऊंगी मैं। लड़के शांति से भी बैठे रहे तभी मार खाते। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम है ना शायद से कहीं घूमने जाने वाले हैं, ऐसे है ना उड़ते उड़ते खबर आई है मेरे पास पापा की तरफ से। अब देखते हैं हम कहाँ पे जाने वाले हैं। बाय बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से इस वीडियो को ढेर सारे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।